सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सत्यम न्यूज वेब टीवी पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। बेबाक, निर्भीक, निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में। भदोही कोतवाली इलाके के कारपेट पुलिस चौकी अंतर्गत डुडवा कुकरौठी में लगे लगभग एक दर्जन सोलर लाइट की बैटरी चोर उठा ले गए हैं। गांव के अलग अलग स्थानों पर लगी सोलर लाइट की बैटरी को हौसला बुलंद चोरों ने गायब कर दिया है। इस चोरी की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया है। इलाके के चंद्रभूषण सरोज, अवधेश कुमार, यशवंत पटेल, प्रेम बहादुर पटेल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव में सोलर लाइट बैटरी चोर सक्रिय हैं। गांव में लगे एक दर्जन सोलर लाइट बैटरी को चोर उठा ले गए हैं। गांव में प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने रात को पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कठौता पुलिया के समीप तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में चक निरंजन गांव निवासी विजय उर्फ कुरऊ उपाध्याय की मौके पर मौत हो गई है। पिकअप के धक्के से बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। विजय उपाध्याय उर्फ कुरऊ हलवाई का काम करते थे। गोसाई बाजार से लौटते समय कठौता पुलिया के समीप तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर फरार हो गया था। अशोक उपाध्याय की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उधर हादसे के बाद परिजनों में मातम पसरा है। प्रशासनिक अधिकारियों का डिजिटल हस्ताक्षर पासवर्ड बदलकर फर्जी तरीके से किसानों के पंजीकरण सत्यापन करने वाले गिरोह का भदोही जनपद पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस पूरे खेल में राइस मिल संचालक भी शामिल है। DFMO ऑफिस के संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कुल चार लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। साइबर क्राइम सेल सहित औराई व ज्ञानपुर पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। SDM के आशंका के बाद जिला अधिकारी ने इन सभी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। SP डॉक्टर अनिल कुमार ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सभी आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें औराई के परानापुर निवासी अनिल मिश्र, शिवम मिश्र, गोविंद मिश्र व ज्ञानपुर के भिदियुरा निवासी शिवम पांडे को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से कंप्यूटर, इंटरनेट, राउटर, चार मोबाइल, 5100 रुपया नगद बरामद किया है। फरवरी माह में भदोही जिले का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में दिन का तापमान भदोही जिले का 25 से 27 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाएगा। इस दौरान 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हवा चलने की संभावना है। उधर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। औराई इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग बुआजी इनारा मोड़ जयरामपुर के समीप सब्जी से लदा एक टेम्पो पलट गया। टेम्पो पलटते ही इलाके में हड़कंप मच गया। टेम्पो सब्जी लादकर महथुआ पीरोपुर की तरफ जा रहा था, तभी बुआजी इनारा मोड़ के समीप आधे अधूरे नाले में फंसकर टेम्पो पलट गया। टेम्पो पर मौजूद सब्जियां सड़कों पर बिखर गई थी। इलाके के लोगों ने बताया कि मोड़ के समीप नाला निर्माण के दौरान लापरवाही बरती गई है। गड्ढा होने के चलते आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इलाके वासियों ने मोड़ के समीप रास्ते को ठीक कराए जाने की मांग की है। माघी पूर्णिमा के मौके पर भदोही जिले के गंगा घाट पूरी तरह गुलजार रहे। हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। स्नान को लेकर गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए थे। भदोही जिले के रामपुर, सीतामढ़ी, भुगांव, गुलौरी, बिहरोजपुर, बिरासपुर, डेरवा जैसे गंगा घाटों पर आस्थावानों की भीड़ सुबह से ही पहुंच गई थी। घाटों पर मेले जैसा नजारा देखा गया। माघी पूर्णिमा पर भदोही जिले के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। घाटों पर महिला पुलिस की भी तैनाती की गई थी। घाटों के आसपास तमाम तरह की दुकानें भी सजी हुई थी, जहां महिलाओं ने जमकर खरीदारी भी की। वाइबा की परीक्षा देकर लौट रहे गोपीगंज के सारीपुर निवासी ऋषभ सिंह की कुछ लोगों ने कोलापुर फाटक के समीप पिटाई कर दी थी, जिससे छात्र ऋषभ सिंह को गंभीर चोटें आई थी। इस मामले में अब गोपीगंज पुलिस ने खमरिया निवासी सुभाष यादव,
तिलंगा के अर्पित त्रिपाठी, इब्राहिमपुर के शिव यादव व भगवतपुर के अंकुश यादव पर धारा 323, 504, 506, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ऋषभ सिंह ने बताया कि इन चारों ने उसे अनायास रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया था। घायल ऋषभ सिंह का इलाज पुलिस ने CSC गोपीगंज में कराया था। भदोही में धूमधाम से संत रविदास की जयंती मनाई गई। भदोही शहर के जमनीपुर बस डिपो के समीप मौजूद रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। लखनपुर उर्फ अभियनपुर के पूर्व सैनिक, पूर्व प्रधान शीतला प्रसाद पटेल के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने संत रविदास जी की जयंती मनाई है और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। इस मौके पर शीतला प्रसाद पटेल ने कहा कि संत रविदास जी की वाणी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ऐसे महापुरुष को अपना आदर्श मानकर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर मुरलीधर शास्त्री, जय कुमार राय, प्रकाश कुमार जायसवाल, एडवोकेट राजाराम गौतम, मेवालाल गौतम आदि मौजूद रहे। छुट्टा पशुओं से परेशान भदोही जिले के किसान अब अपनी फरियाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने के लिए बेताब है। अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा श्रीपुर से आए किसान के इस दर्द को पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे पूरी खबर बताएंगे। आज हमारी सोचना चाहिए, ये सब देखिए गौशाला में से गौ गुरु को भगा दिए, पूरे अनाज को चरा रहे। देखिए सरकार को हमारी सूचना दे दीजिए भाई साहब। मिल्कीपुर में गौशाला है, गौशाला थोड़ा दूर पर दिखाई दे रहा हल्का हल्का, पेपर के उस तरफ है, इसको हमारी सूचना पहुंचाइए योगी सरकार तक। लोग फर्जी काम बहुत ज्यादा करते है, इन लोग को बांध नहीं रहे। दरअसल यह किसानों के फसलों की बर्बादी का वीडियो है अभोली ब्लॉक के श्रीपुर का, जहां छुट्टा पशुओं का आतंक ग्राम सभा में इस कदर कायम है कि खेतों में खड़ी फसल छुट्टा पशु बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि भदोही जिला प्रशासन द्वारा लगातार यह दावा किया जाता है कि छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजा जा रहा है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है जहां छुट्टा पशु खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इलाके के ओम प्रकाश बिंद, संत राम बिंद, गंगा प्रसाद, मुल्ला लाल बिंद जैसे किसानों ने छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजे जाने की गुहार अब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगा रहे हैं। भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 14 कुसियरा मोहल्ले में मौजूद शिव व हनुमान मंदिर के सामने सीवर का गंदा पानी जमा हो गया है। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालु इसी गंदे पानी से होकर दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं, बावजूद नगर पालिका परिषद भदोही कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हिंदू जागरण मंच के नगर अध्यक्ष धर्मराज यादव के नेतृत्व में मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि 18 फरवरी को शिवरात्रि है और इस मौके पर मंदिर पर लगभग 400 से 500 श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर के सामने सीवर का गंदा पानी जमा हो गया है। इंटरलॉकिंग के नीचे जल निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन पाइपलाइन घटिया होने के चलते समय से पहले क्षतिग्रस्त हो गई। निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। शिवरात्रि से पहले हिंदू जागरण मंच ने मंदिर के सामने लगे सीवर के गंदे पानी को हटाए जाने की नगर पालिका परिषद भदोही से मांग की है। कार्यों में लापरवाही बरतने पर हल्का लेखपाल का DM ने वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। औराई तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर मिली शिकायतों के बाद DM ने लेखपाल राजकुमार यादव पर यह बड़ी कार्रवाई की है। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत पानी टंकी निर्माण के लिए उगापुर के कठारी में जमीन उपलब्ध न कराने के मामले में DM ने हल्का लेखपाल राजकुमार यादव पर यह कार्रवाई की है और अग्रिम आदेश तक लेखपाल का DM ने वेतन रोक दिया है। DM के इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। सूर्यावा इलाके में बेखौफ हरे पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। वन विभाग की सह पर वन माफिया हरियाली के दुश्मन बने हैं। ऐसा ही कुछ नजारा सूर्यावा इलाके के बहरैची में देखने को मिला है, जहां लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग नीम के हरे पेड़ को धराशाही कर रहे थे। इस पूरे नजारे को जब मीडिया कर्मियों ने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो वहां मौजूद हरियाली के दुश्मन भाग खड़े हुए। आसपास के लोगों ने बताया कि इलाके में बेखौफ हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। कहा कि वन विभाग की मिली भगत से क्षेत्र की हरियाली को हरा जा रहा है। अगर कोई सूचना देना भी चाहे तो वन विभाग के अधिकारियों का फोन नहीं उठता।
विद्युत विभाग के अधिकारियों व नगर पंचायत ज्ञानपुर के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कंसापुर स्थित कांसीराम आवासीय कॉलोनी पर मौत मंडरा रही है। कभी भी कॉलोनी में बड़ा हादसा हो सकता है। शायद नगर पंचायत ज्ञानपुर के जिम्मेदार व विद्युत विभाग के अधिकारियों को इसी क्षण का इंतजार है। कॉलोनी की फूला देवी हसीना नसीम आदि ने बताया कि कॉलोनी का विद्युत तार पूरी तरह जर्जर होकर जमीन छू रहा है। जमीन से चंद फीट ऊपर विद्युत तार से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लटक रहे विद्युत तार से हमेशा कॉलोनी वासी मौत के साए में जी रहे हैं। कांसीराम आवासीय कॉलोनी के लोग विद्युत विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लटक रहे विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के चौरी रोड दमड़ीलाल तालाब के समीप संचालित होने वाला स्काई हाई स्कूल हाईटेक हो गया है। हाईटेक हुए स्कूल के लेकर स्कूल के जिम्मेदारों ने अभिभावकों के साथ एक बैठक की। स्काई हाई स्कूल को हाईटेक तकनीकी से लैस कर दिया गया है। बैठक में स्कूल के प्रिंसिपल विकास गुप्ता ने स्कूल में हुए हाईटेक बदलाव के बारे में अभिभावकों को तमाम जानकारियां दी। साथ ही स्कूल का ऐप भी लॉन्च किया गया। बताया कि सभी क्लास अब स्मार्ट क्लास होंगे, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। उधर हाईटेक हुए स्काई हाई स्कूल को लेकर अभिभावकों में भी खुशी की लहर देखी गई। इस मौके पर डायरेक्टर अरविंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। विभागीय लापरवाही कहें या फिर भदोही जिले के भ्रष्टाचार का नमूना, क्योंकि 15 साल से गांव में तैयार पानी की टंकी शोपीस बनी हुई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा जखाव में 15 साल पहले पानी टंकी का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों की माने तो हर साल टंकी व परिसर का रंग रोगन कराया जाता है, लेकिन आज तक पानी टंकी चालू नहीं हो पाई। अगर पानी की टंकी को चालू कराया जाए तो लगभग 2000 घरों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो सकता है, लेकिन आज भी लोग कुआं हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जखाव के सरोज बस्ती में पानी टंकी का निर्माण कराया गया है। 15 साल पूर्व बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्राम सभा वासियों ने 15 साल से बंद पड़ी पानी टंकी को चालू कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के दरूपुर में 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का कालीन निर्यातक समाज सेवी शाहिद हुसैन अंसारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद खिलाड़ियों को खेल के टिप्स भी बताए। समाज सेवी शाहिद हुसैन अंसारी ने कहा कि लक्ष्य के लिए परिश्रम करें। क्रिकेट के आयोजक प्रिंस खान ने बताया कि प्रतिदिन 4 मैच खेला जाएगा। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में इलाके वासी सहित क्रिकेट खिलाड़ी मौजूद रहे। पूर्व प्रधान शीतला प्रसाद पटेल ने भी पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर दीना मौर्य, राज कुरैसी आदि मौजूद रहे। संत रविदास जयंती के मौके पर भदोही शहर के घमाहापुर में विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन किया गया था। इस मुकाबले में 3 नामी-गिरामी बिरहा गायक पहुंचे हुए थे। बिरहा सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। संत रविदास जयंती पर आयोजित घमाहापुर में विराट बिरहा मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल पहुंचे थे। गायक कलाकारों में प्रीति पाल, दीनानाथ यादव व सुधाकर राव के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। कार्यक्रम के आयोजक कवि कल्लूराम व रमेश गौतम रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रमेश चौहान, घनश्याम गौतम, ज्वाला प्रसाद पटेल, मुन्ना पाल, रवि आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम मूरत यादव रविवार को भदोही पहुंचे थे, जहां संघ के लोगों ने ज्ञानपुर स्थित राज अतिथि गृह में फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही जिला संगठन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को लेखपालों की समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष कामेश्वर नाथ मिश्रा, महामंत्री विमलेश मौर्य सहित रजनीश बघेल, रिसुन यादव, अवधेश तिवारी आदि लेखपाल मौजूद रहे, जहां लेखपाल संघ ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि अभी तक आय जाति निवास का पैसा नहीं मिला है, जिस पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है और चेताया कि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो लेखपाल संघ कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर होगा। चौरी बाजार के पुरानी चौरी इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक बैठक हुई। बैठक में भदोही जिला संगठन के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता व इलाके वासी मौजूद रहे।
बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से 2024 लोकसभा से पहले हर बूथ को मजबूत करने की बात पर बल दिया। कहा कि पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा के गांव, गली, मोहल्ले, शहर में पहुंचकर पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराएं। बैठक में हुसैन अली अंसारी, सरफराज, बाबू अशरफ, बिलाल अहमद आदि शामिल रहे। भदोही जिले के स्वतंत्रता सेनानी व गरीबों, किसानों के हितैषी बाबू पारसनाथ मौर्य के जन्मदिन पर उन्हें याद किया गया। जंगीगंज के महावीर बिहसपुर स्मारक स्थल पर पहुंचकर सम्राट अशोक सेना क्लब द्वारा बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया और एक प्रभात फेरी भी निकाली गई, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पारसनाथ मौर्य के संघर्षों व उनके जीवनी पर चर्चा भी की गई, जहां बाबू पारसनाथ मौर्य के प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर नमन भी किया। इस मौके पर प्रमोद चंद मौर्य, के मौर्य, पन्नालाल मौर्य, अनिल यादव आदि मौजूद रहे। अखिल भारत वर्षीय बिंद जाति सुधार महासभा के 75 वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। अभोली ब्लॉक के विजयपुर केवला देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महासभा द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महासभा के संस्थापक रहे स्वर्गीय सहदेव प्रसाद महतो व वेणी माधव बिंद के चित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित करते हुए किया गया, जहां वक्ताओं ने महासभा के विस्तार पर चर्चा करते हुए समाज के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया। कहा कि शिक्षा से ही समाज का उत्थान होगा। इस मौके पर शीतला बिंद, उमेश बिंद, सरिता बिंद, डॉक्टर सीएल बिंद, अशोक कुमार बिंद आदि मौजूद रहे। शिमरात के महमदपुर नारायण इंटर कॉलेज में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। अभिनंदन समारोह में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे व डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा को अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह व बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रबंधक राजेंद्र सिंह सहित अभय राज सिंह व विनय सिंह ने दोनों मुख्य अतिथियों को अभिनंदन समारोह में सम्मानित किया, जहां ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने विद्यालय के विकास के लिए 10 लाख व ब्लॉक प्रमुख ने एक सोलर पंप देने की घोषणा की। कादरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जमालुद्दीन उर्फ टीपू ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए भूमाफियाओं के चंगुल में फंसी सरकारी जमीन को खाली कराए जाने की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर इलाके में अलग अलग स्थानों पर मौजूद करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन पर काफी समय से भूमाफियाओं का कब्जा है। जमालुद्दीन उर्फ टीपू ने डीएम को अवगत कराते हुए कहा कि सरकारी जमीन कब्जा करने वाले काफी धनांड व दबंग हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद भी ज्ञानपुर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद सरकारी जमीन खाली नहीं हो पा रही है। मामले को हल्का लेखपाल व कानूनगो द्वारा दबाया जाता है। टीम गठित कर सरकारी भूमि को खाली कराए जाने की कादरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मांग की है। सूर्यावा नगर पंचायत के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते वार्डों की सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। नाला, नाली व सीवरों का पानी घरों में घुस रहा है। शिकायत के बावजूद भी सूर्यावा नगर पंचायत के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। लापरवाही से नाराज वार्ड नंबर 2 सुभाष नगर मलेपुर के रहवासियों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पंचायत सूर्यावा के जिम्मेदारों को चेताया है और खुद अपने हाथों से सीवर व नालियों की मोहल्ले वासियों ने सफाई करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए जयदेवी, सुनील कुमार उपाध्याय, रमेश तिवारी, अखिलेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि मोहल्ले की सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। नाला, नालियां व सीवर जाम हो चुके हैं। गंदा पानी घरों में घुस रहा है, बावजूद अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। भदोही जिले में संत रविदास की जयंती जगह जगह धूमधाम से मनाई गई। मौर्य विकास समिति द्वारा ज्ञानपुर के पटेल नगर स्थित कार्यालय पर संत शिरोमणि के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य, विजय बहादुर मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के ही परशुराम गांव में ढोल बाजे के साथ संत शिरोमणि की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अजय कुमार, राहुल गौतम, राम आश्रय आदि शामिल रहे। इसी तरह चौरी के दरुना में भी संत रविदास की जयंती मनाई गई। इस मौके पर संजय भारती मौजूद रहे। नगर पंचायत घोसिया के वार्ड नंबर 3 गांधी नगर के अंबेडकर पार्क में धूमधाम से संत शिरोमणि की जयंती मनाई गई। इस मौके पर दीपक, दयाशंकर, प्रहलाद दास आदि शामिल रहे। विकासखंड अभोली के नीबी गांव में राजमणि के नेतृत्व में संत शिरोमणि की जयंती मनाई गई। इसी तरह गौरा गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर TDC संतोष कुमार सहित मूलचंद गौतम, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे।
सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता है। हम उन तमाम दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो भदोही जिले के हैं और दूसरे देश प्रदेश व जिलों में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सत्यम न्यूज परिवार अपने जिले के ऐसे भाई बहनों के लिए मंगल कामनाएं करता है। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।